क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 8.2। देखिए क्वेश्चन है, सर्कल दिया हुआ है 4x² प्लस 4y² = 9। इसको चेंज करेंगे सबसे पहले इक्वेशन को। अगर इससे मैं 4 कॉमन लूं तो इस साइड चला जाएगा, इक्वेशन बनेगी x² प्लस y² = 9y4। अब एक छोटी सी इक्वेशन आप लोग रखना कि जो सर्कल होती है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है पिछली एक्सरसाइज में बताई थी, क्या होती है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इधर x के साथ कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, इस करके h की वैल्यू 0 आ रही है और y के साथ भी कुछ भी माइनस नहीं, तो k की वैल्यू भी 0 है और h और k जो होते हैं सेंटर होते हैं। तो इससे एक चीज पता लग गई कि जो सर्कल है उसका सेंटर 0 0 है। और इस तरह देखिए r स्क्वायर है, व्हिच मींस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का 3/2 का स्क्वायर बन जाएगा। 4 है नीचे, 3/2 का स्क्वायर। इधर से एक पता लग गया कि जो रेडियस होगा सर्कल का वो होगा 3/2, जिसको हम लोग 1.5 भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसकी कटिंग करूं तो 1.5 इसको बोल सकते हैं। तो कुछ ट्राई करेंगे हम लोग बनाने की। ये आप लोगों का एक्सिस आ गई, ये है 0 0, इधर सर्कल सेंटर उसका 0 0 है, तो सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ये बन गया सर्कल, ठीक है जी। और उसका रेडियस देखिए ये बन गया 0 0, लेकिन क्वेश्चन इधर शुरू हो रहा है, उसका जो रेडियस है वो है 1.5, तो ये होगा 1.50, ठीक है, और ये होगा 0 × 1.5, ठीक है, और ये होगा -1.50, क्योंकि इधर x आएगा, y 0 होगा और इधर y के लिए आएगी 0 × -1.5, ठीक है। तो ये तो वैल्यूज आ गई आपके सर्कल की, लेकिन सेकंड इक्वेशन देखिए पैराबोला है, और पैराबोला क्या है, x² = 4y। अब मैंने आप लोगों को बताया था अगर x x का स्क्वायर है तो ये y एक्सिस पे बनना है, ठीक है जी। अगर x का स्क्वायर है तो y एक्सिस पे बनता है, y का स्क्वायर हो तो x एक्सिस पे बनता है, x स्क्वायर तो उससे उल्टा y एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, टच करता हो जाएगा सेंटर से, ठीक है। तो ये सेंटर है, इसे टच करता हूं आप लोगों का पैराबोला आएगा, जैसे ये कुछ इस तरह से आएगा ये, ठीक है। इसको सॉलिड लाइन भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ये ले लिया सॉलिड लाइन, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन देखें, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y = 9 व्हिच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। आप लोगों को ये एरिया पता करना है, ये वाला, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये पॉइंट्स पता करने पड़ेंगे, फिर आप लोग ये एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसको 2 times कर देना, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये पता लग जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना। तो कैसे पता करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दो चीजें आपस में कट हो रही है। इधर देखिए आप लोग, ये सर्कल है, ये पैराबोला है आप लोगों का x² = 4y, और सर्कल आप लोगों के पास ये है, दैट इज x² + y² = 3/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, इधर ये देखो पैराबोला है, सर्कल, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इधर से x² की वैल्यू इसमें डाल दो, सॉल्यूशन आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन थी देखिए x² = 4y, और सर्कल की इक्वेशन पड़ी हुई है x² + y² = 9y4, x² की वैल्यू इधर डाल देते हैं, तो ये बन, देखना क्या बन जानी है, ये बन जाएगा 4y + y² = 9y4। इस 4 को इस तरफ लेकर आ जाए तो बन गया 16y + 4y² = 9, और ये बन रही है क्वाड्रेटिक इस तरह से, -9 = 0। देन आप लोगों का काम है सॉल्यूशन करना है इसका। तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 36 आना चाहिए, और जोड़ने पर आप लोगों का 16 का आना चाहिए, तो 18 × 2 जो है वो 36 होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या ट्राई करें, 4y² और 18y माइनस का 2y -9 = 0, ये प्लस का ले लो, तो इधर से क्या बन गया, 2y कॉमन ले लो, 2y कॉमन, ये कितना बचा 2, ठीक है, ये बच गया प्लस का 9, 2 + 9, और इधर से -2 कॉमन ले लें तो ये बच गया y प्लस, ये बच गया आप लोगों का, ये आप लोगों का बचा 2y कॉमन लिया ना, तो इधर बचना है 2y + 9, और इधर से आपने लेना -1 कॉमन, -1 कॉमन लिया तो ये बचा 2y + 9,
ठीक है, इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट से लिया है टू वाई कॉमन, टू कॉमन लिया और वाई भी कॉमन लिया, तो इधर बचा है टू वाई, टू इंटू टू फोर वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या बन गया, दैट इज टू बाय प्लस नाइन और टू बाय माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो वाई की वैल्यूज देखो क्या आ रही है, माइनस नाइन ओवर टू और वाई की वैल्यू आ रही है वन ओवर टू। ये आप लोगों की दो वैल्यूज आ रही है वाई की, ठीक है। इसको रखेंगे तो माइनस नाइन ओवर टू और इसकी वैल्यू वाई इक्वल टू वन बाई टू। अब बातें देखना इधर से, वाई की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती है क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस इस तरफ है, ठीक है। तो कटिंग जो हो रही है ये y की वैल्यू आएगी इधर से, तो वो पॉजिटिव ही आएगी, तो इसको नेग्लेक्ट कर देना है क्योंकि नेगेटिव, तो सिर्फ ये आएगी। तो 1 बाई टू आप लोग इसकी वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू आ रही है 1 बाई टू। अगर y की वैल्यू 1 बाई टू है, इस तरफ भी y की वैल्यू देखो 1 बाई टू ही आएगी, और x की वैल्यू क्या होगी वो पता करने के लिए आप लोग कहीं भी पुट कर सकते हैं इक्वेशन पे, मैं पैराबोला पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, वाई की वैल्यू आ रही है 1 बाई टू, ये देखो 1 बाई टू ये कट गया, 2 आ गया और x की वैल्यू आ गई रूट टू। तो पॉइंट बन गया ये देखो रूट टू, और इस तरफ माइनस का रूट टू आ सकता है क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो जब भी आएगा तो प्लस माइनस में आती है वैल्यूज, तो ये माइनस रूट टू होगा इस तरफ, माइनस का रूट टू। अब आप लोग सॉल्यूशन बनाएंगे क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो मिल चुके हैं, अब सॉल्यूशन बनाना पड़ना है। रिक्वायर्ड एरिया किस तरह से निकालेंगे, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल अभी से। रिक्वायर्ड एरिया किस तरह से करेंगे, आप लोग करेंगे इंटीग्रेशन, देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। आप लोग क्या करने वाले हो, सबसे पहले इस पॉइंट से ये पॉइंट तुम्हें पता लग गया है, ये पॉइंट देखना, ये जो चीज है ये, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू जीरो है तो मैं जीरो ले रहा हूं, और ये कर्व से चला मैं, ठीक है, इस सर्कल से चला और इस पॉइंट पे रीच किया, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू देखी तो रूट टू, और इंटीग्रेट किया सर्कल के रिस्पेक्ट में, तो सर्कल की इक्वेशन अगर मैं देखूं उधर से तो सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, इसको सॉल्व करके आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। सर्कल की इक्वेशन मिलने वाली है थ्री ओवर टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर और डीएक्स, कैसे मिलेगी जिसको पता नहीं लग रहा देख लो इधर से, y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू क्या होगी 3 ओवर 2 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर दूसरी तरफ चला गया ऐसे, और y स्क्वायर है तो अंडर रूट, ये मैंने वैल्यू डाल दी है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इंपॉर्टेंट बात आने लगी थी अंडरस्टैंड करना, ये मैंने सर्कल लिया, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सोल्यूशन मिलेगा ये जो मैं पोर्शन कर रहा हूँ सेटेड, ये आने वाला है ये, ठीक है ये। पर आप लोग देख रहे होंगे कि पैराबोला, ये है पैराबोला, इसके नीचे का भी एरिया आना स्टार्ट हो गया, वो तो एक्स्ट्रा हुआ, तो वो मेरे को माइनस करना पड़ेगा, माइनस लगाएंगे रेंज फिर लूंगा मैं, देखो इस रास्ते चलूंगा, ये जीरो से लेकर ये वाला रास्ता पकड़ूंगा, जीरो से लेकर रूट टू तक चलूंगा, ठीक है, और माइनस किया जाएगा तो माइनस करेंगे, और इस चीज को आप लोग वाई की वैल्यू लेंगे इधर से फिर से, तो वाई की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी होगी तो एक्स स्क्वायर ओवर फोर आएगा, तो आप लोग लिखेंगे x स्क्वायर ओवर 4 और dx। अगर ये सॉल्व करते हो आप लोग तो ये वाला रीजन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन आपके पास जो रीजन आ रहा है ऐसा करने से वो सिर्फ और सिर्फ ये शेडेड पोर्शन आ रहा है, ऐसा ये भी है, तो सारा आंसर को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। बेसिक इंटीग्रेशन बचली है उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। देन जी इसी पे हम लोग करेंगे आगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन पे आप लोग देखें ये आएगा क्या है, जीरो से रूट टू, स्टेप बाय स्टेप मैं कर दूंगा, फिर इसी पे हम लोग वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है, जीरो से रूट टू को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और देखिए क्या है थ्री ओवर टू का स्क्वायर, क्योंकि अभी ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया है एक्स स्क्वायर डीएक्स, फॉर्मूला है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स ओवर टू आएगा तो एक्स ओवर देखो टू आ गया, और फिर क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्वेश्चन कितना है 9 बाई 4, 9 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर ओवर 2, ए स्क्वायर क्या है 9 बाई 4 है, ये है ए स्क्वायर 9 बाई 4 ओवर 2 विच मींस 9 बाई 8 ही बन जाएगा ये, और साइन इनवर्स एक्स ओवर ए आएगा तो एक्स की वैल्यू तो एक्स आएगी और ए की वैल्यू क्या है 3 ओवर 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है 3 ओवर 2, और लिमिट्स हम लोग पुट करने वाले हैं 0 से रूट 2। तो जैसे लिमिट्स पुट करोगे आप लोग अपर लिमिट पुट की जाएगी सबसे पहले रूट टू की, इस पॉइंट पर रूट टू पुट करें तो ये क्या बनने वाला है देखो रूट टू ओवर टू 9 ओवर 4 माइनस 2 बन जाएगा ये, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर होगा प्लस 9 ओवर 8 साइन इनवर्स 2 रूट टू ओवर 3,
और फिर आप लोग जीरो पुट करेंगे, तो जैसे जीरो पुट किया जाएगा माइनस इधर कोई सारा जीरो बनने वाला है और इधर साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो जीरो की कोई वैल्यू बची नहीं, सिर्फ यही बच रहा है। इसको देखो क्या बन गया, रूट टू ओवर टू, और ये आप लोग देखें तो ये बन जाएगा एट, फोर टू से एट, नाइन से आठ के एक बचेगा, एक बाई फोर दैट इज वन बाई टू बचने वाला, ठीक है, प्लस नाइन बाई एट साइन इनवर्स टू रूट टू ओवर थ्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट टू ओवर फोर भी लिखा जा सकता है, नाइन बाई एट साइन इनवर्स टू रूट टू ओवर थ्री। तो पार्ट वन तो इसका सॉल्व हो गया, लेकिन ऐसी आगे इंटीग्रेशन है आप लोगों की, देखिए एक्स स्क्वायर ओवर फोर की भी है, ये फोर मैंने कर लिया अलग बार कर लिया, इंटीग्रेशन जीरो से रूट टू आ रही है, ठीक है, और डी एक्स है तो ये आ गया वन बाई फोर और एक्स क्यूब बाई थ्री आ गया, ठीक है, एक्स क्यूब बाई थ्री आ गया, जीरो से रूट टू आ गया, आप लोग क्या करोगे वन बाई ट्वेल्व आ गया, और लिमिट्स पुट करें अंडर रूट टू से लेकर देखो थ्री तक माइनस जीरो का क्यूब, ये आ गया, ये बन गया वन ओवर ट्वेल्व, और ये कितना आ गया टू टाइम्स टू रूट टू, ये बन गया, तो ये बन गया रूट ऑफ टू ओवर सिक्स, क्योंकि अंडर रूट टू को तीन बार करोगे ना तुम लोग, तो दो का तो दो बन जाएगा एक बन जाएगा रूट टू, रूट टू बाय सिक्स आ जाएगा। अब आप लोग इसकी वैल्यूज इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको और उसको, जैसे ही आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा सा देखना किस तरह से चलेगा, सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा वो मेन बात है, और फिर फाइनल आंसर आने वाला है, फिर आप लोग टू से मल्टीप्लाई करना आंसर आएगा, ठीक है। तो ये देखो क्या होने वाला है, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग क्या करोगे इससे नेक्स्ट, ये वैल्यूज जिसका रिजल्ट आया है ये, ठीक है, और फिर आप लोगों का इसका रिजल्ट आया है ये, इन दोनों को हम लोगों ने करना है माइनस। तो माइनस कैसे होगा, माइनस करने के लिए देखो पहली वैल्यू लिख दी अंडर रूट टू बाई फोर प्लस नाइन बाई एट साइन इनवर्स टू रूट टू ओवर थ्री माइनस ये वैल्यू आएगी अंडर रूट टू बाई सिक्स, अंडर रूट टू बाई सिक्स। तो आप लोग सॉल्व कर लें, ट्वेल्व एलसीएम ले लें इसका और इसका सॉल्यूशन होगा, ट्वेल्व एलसीएम ले लिया याद आएगा थ्री रूट टू और याद आएगा माइनस टू रूट टू और ये तो एज इट इज आने वाली है 9 बाय 8 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3, ठीक है जी। अगर ये माइनस करेंगे 3 से 2 माइनस किया तो 1 बचेगा, इट विल बिकम रूट 2 ओवर 12 प्लस 9 बाय 8 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3, और इसको 2 से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिक्वायर्ड एरिया, जब इस सारे रिजल्ट को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जा रहा है रूट 2 बाय 6 प्लस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3। इस फॉर्म में आप लोगों का ये आंसर जो है वो चला जाएगा।